बोकारो के कठारा, ढोरी, करगली, करोमाइस आदि जगहों के संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने 3 दिवसीय हड़ताल की सफलता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमर्शियल माइनिंग एवं मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 2, 3 व 4 जुलाई की 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को 100% सफल होने पर तमाम मजदूर, कर्मचारी एवं सभी यूनियनों के लोगों को बधाई देते हुए आभार प्रकट किया। नेताओं ने कहा कि कोविड-19 व लॉकडाउन के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कोयला मजदूरों ने जिस तरह अटूट एकता का परिचय दिया है वो प्रशंसनीय है। लोगों ने ऑल इंडिया में 2, 3, 4 जुलाई का हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसमें हमारा 5 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें मुख्य हमारा ये देश के प्रधानमंत्री विगत 18 जून को जो कमर्शियल माइनिंग का जो वो आह्वान किए, नीलामी किए कोल ब्लॉक का, पहला फेज में 41 कोल ब्लॉक का नीलामी हुआ है और फिर व्यापक पैमाने में आगामी 22 अगस्त को और भी कोल ब्लॉक का नीलामी का तैयारी चल रहा है। गंडकी क्षेत्र में भरपूर मजदूरों द्वारा सहयोग मिला और हम इसलिए इस हड़ताल 100% सफल रही, उसके लिए हम मजदूरों को बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने भारत सरकार की गलत मंसूबे को नकार दिया। संजू ट्रेड यूनियन मोर्चा द्वारा आहू 6 सूत्री मांगों के खिलाफ में जो 2, 3, 4 जुलाई जो हड़ताल घोषणा हुआ था, ये हड़ताल 100% सफल रहा है, इसके लिए मैं कोल इंडिया के मजदूरों को बधाई देता हूँ। आने वाला दिन में जो इससे भी लंबा हड़ताल होगा तो हम लोग हड़ताल करने तैयार है।